जब हम सीड सोइंग की बात कर रहे हैं तो हम आते हैं डायरेक्ट सोइंग और इनडायरेक्ट सोइंग। ये वर्ड्स आपने काफी लोगों से सुने होंगे। डायरेक्ट सोइंग माने जो बीज एक जगह आपने एक बार लगाया वो पौधा वहीं ग्रो करेगा, उसको आप निकाल के दूसरी जगह पे नहीं लगा सकते हैं। और इनडायरेक्ट सोइंग माने जो आप ट्रे में या नर्सरी बेड में उसके पहले पौध बना रहे हैं और उसके बाद में जहां आपको चाहिए वहां पर आप ट्रांसप्लांट करोगे। सिंपल सी चीज है, जिसकी पौध आपको मार्केट में मिलती है वो सारे इनडायरेक्ट सोइंग, जिसकी पौध आपको मार्केट में नहीं मिलती है वो सारे डायरेक्ट सोइंग। आपने कभी मूली की पौध खरीदी, चुकंदर की पौध खरीदी, लहसुन की पौध खरीदी, आलू की पौध खरीदी? कभी नहीं खरीदी। पालक की पौध, मेथी की पौध, सरसों की पौध खरीदी? कभी नहीं खरीदी। तो जितनी रूट वेजिटेबल्स हैं और जितने लीफी वेजिटेबल्स हैं जनरली ये सारे डायरेक्ट सोइंग में आते हैं। आपने एक बार जहां पर बीज डाल दिया वो वहीं ग्रो करेगा। इनडायरेक्ट सोइंग, अभी जैसे विंटर वेजिटेबल्स आएंगे, कैबेज, ब्रोकली, चिली, शिमला मिर्च, बीन्स, चेरी टमाटर, टमाटो सेम आएगा, है ना, सारी कैबेज के सारी वैरायटी आएगी। सो ये सारी चीजें जो हैं, आप जो जमीन से ऊपर आ रही हैं, जो जमीन के ऊपर का पार्ट आप खा रहे हो, ऊपर तो हल्दी और बीटरूट भी आएगा मगर आपका जो मेन फूड है वो जमीन के अगर ऊपर है, जनरली ध्यान में रखने के लिए मैं ये थंब रूल बता रही हूं आपको, वो सारी आप इनडायरेक्ट सोइंग मान के चलिएगा। 2-3 साल पहले तक आपको कभी भी खीरे की बेल नहीं मिलती थी, आपको कभी भी भिंडी की पौध नहीं मिलती थी, क्योंकि ये सारे डायरेक्ट सोइंग में काउंट होते हैं। भिंडी की पौध आपको आज भी नहीं मिलती मगर जो वैरायटी की भिंडी मैं पिछले 4 साल से अपने छत पर ग्रो कर रही हूं उस भिंडी को मैंने 4 जगह ट्रांसप्लांट करके देखा है, अलग अलग जगहों पे, जमीन में, स्कूल में, छत में, गमले में, और सब तरफ वो सक्सेसफुल हो गई है। तो अब भिंडी की पौध बनाने की मैंने मास्टरी कर ली है। अच्छे बीज में आऊंगी, अभी धीरे धीरे आऊंगी आपको, ठीक है। सो ये हो गया डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सोइंग थंब रूल। जो जिसकी पौध मिलती है वो इनडायरेक्ट सोइंग, जिसकी पौध नहीं मिलती है वो डायरेक्ट सोइंग, ठीक है। इसका ध्यान रखें जब आप नर्सरी बेड बना रहे हैं। देन ट्रांसप्लांटिंग, जब आपकी पौध बन गई और अभी आपको वो ट्रांसप्लांट करना है, चाहे वो फ्लावर्स हो चाहे वेजिटेबल्स हो, यहां तक ये सारा बिल्कुल कॉमन चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। ट्रांसप्लांटिंग के लिए सबसे पहले आपको आपका मिट्टी, आपकी गमला, आपका क्यारी पहले तैयार होना बहुत जरूरी है। और जो मैंने ये न्यूट्रिशन की बात करी उस न्यूट्रिशन में सबसे बड़ा कंपोनेंट आपका गमला या क्यारी तैयार करने के लिए है मिट्टी। आपकी मिट्टी न्यूट्रिशियस, वाटर मैनेजमेंट करने वाली, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर वाली और बहुत अच्छे से ह्यूमस वाली, जिसमें बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर हो, ये अगर मिट्टी आपने बना ली तो ये प्रोड्यूस आपके घर से निकल सकता है, चाहे वो जमीन पे हो या चाहे ये आपके गमलों पे हो, ठीक है। सो सॉइल हल्की होनी चाहिए और जो हमने रूट वेजिटेबल्स बोले उनके लिए लाइटर, लाइट एंड लाइटर, नो हेवी सॉइल। जहां पर भी हम क्यारियां बनाने की बात करते हैं या गमले में भरने की बात करते हैं या छत पर ले जाने की बात करते हैं, एक ही चीज होता है, सॉइल शुड बी लाइट एंड सॉइल शुड बी लाइटर, ठीक है। अब सॉइल लाइट के लिए क्या करोगे, जैसे मैंने बोला कि वजन होता है मिनरल्स में, सो ये जो सारी अपने गुड़गांव की मिट्टी, जो जमीन की मिट्टी है वो मिट्टी प्योर मिनरल्स है, उसमें वजन है। मगर आज जैसे आपके किचन में सुधा जी एक पैंट्री है और उसमें दाल, चावल, आटा सब कुछ रखा हुआ है, मगर आज आपका परिवार पैंट्री में जाके दाल, चावल, आटा और घी नहीं खाता, खाना बनाते हैं आप, तब उसको उस पैंट्री को एडिबल फूड फॉर्म में लाते हैं, तब आप फूड ले पाते हैं। पौधों का भी ऐसा ही है, ये मिट्टी में मिनरल्स तो है मगर वो पौधा आटा फाँक के, पानी फाँक के डकार नहीं मार सकता कि मेरा खाना हो गया, उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में खाना चाहिए। वो खाना इस पैंट्री से बनाने के लिए, सुधा जी के पैंट्री से खाना बनाने के लिए कोई एक बंदा है जिसका नाम है कुक, वो कुक है ना। सो वो कुक जब तक नहीं होगा तब तक सुधा जी के
परिवार वाले खाना नहीं खा पाएंगे। तो ये जो पौधा, जो बच्चा उस मिट्टी में उग रहा है, ये खाना तब तक नहीं खा पाएगा जब तक वो जो मिनरल्स का खाना बना के कोई उस पौधे को दे नहीं। कौन होता है वो? सॉइल माइक्रोब्स। हो गया हमारा ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग कब करें? जो इनडायरेक्ट सोइंग आप कर रहे हैं, जब तक उसमें फोर रियल लीव्स नहीं आते। व्हाट डू यू मीन बाय फोर रियल लीव्स? रियल लीव्स माने क्या? जो पहली दो पत्तियां आएंगी ना, वो फॉल्स लीव्स होती है, वो गिर जाती है थोड़े दिनों के बाद। सो वो दो पत्तियां गिर जाने के बाद जो एक्चुअल चार लीव्स आ रहे हैं, तब जाके पौधा फोटोसिंथेसिस शुरू करता है। तब तक वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, तब तक तो वो जो बीज में जो भी भगवान ने डाल के रखा हुआ है, उसका खाना पीना एनर्जी, वो बीज में से ही यूज कर रहा है, उसको कुछ नहीं चाहिए है फिलहाल। लेकिन जब वो तीसरा पेयर ऑफ लीव्स माने सेकंड पेयर ऑफ रियल लीव्स आते हैं, वो लीव्स फोटोसिंथेसिस करना शुरू करते हैं, तब उसको सनलाइट चाहिए, खाना चाहिए, तब उसको सब कुछ चाहिए। तो इसलिए आप ट्रांसप्लांट तब करें जब वो फोर रियल लीव स्टेज में आए। ट्रांसप्लांट करने के बाद उसको दो तीन दिन सेमी शेड में रखें। हम जैसे बच्चा पैदा होते ही सडनली उसको बाहर कार में बिठा के नहीं लेकर जाते हैं ना। पुराने जमाने में 40 दिन पहले उसको एक अंधेरे कमरे में रखा जाता था और फिर 41वें दिन भगवान के दर्शन के लिए निकाला जाता था, तब उसका वो पहला ऑक्सीजन के साथ इंटरैक्शन होता था। अदरवाइज माँ की वूम्ब से निकलने के बाद उसको उतना ही कोजी सराउंडिंग मिले। एंड व्हेन आई एम सेइंग कोजी, इट्स नॉट ओनली अबाउट एयर वाटर एंड लाइट, इट्स मच मोर अबाउट मेनी थिंग्स दोज आर अवेलेबल इन द एयर वाटर एंड लाइट। इसलिए ये सारा जो प्रोसीजर है, ये हम पौधों के लिए भी अगर करेंगे तो हमारे पौधे भी उतने ही सेहतमंद होंगे जितने हमारे बच्चों के लिए हम करते हैं। सो उसको भी पहले आप सेमी शेड में रखें कुछ दिन, उसके बाद में धीरे धीरे एक 8-10 दिन में आप उसको डायरेक्ट सनलाइट में ले जाएं। ये जब आप ट्रांसप्लांट की प्रोसेस कर रहे हैं। अब कई लोग मुझे पूछते हैं कि मैडम इतना सारा नखरा तो हम जो खेतों में बीज डालते हैं उसके लिए थोड़ी ना करते हैं। भाई जो खेतों में बीज डाल रहे हो उसको आप उखाड़ भी तो नहीं रहे हो ना, तो डाल दिया। जिस पौधे, उस पौधे ने जिसको अपनी माँ समझ लिया शुरू से, वो उसी माँ के पेट में है। आप ये सरोगेट मदर क्रिएट कर रहे हो ना, कि किसी और के पेट में वो पैदा हुआ है और उसके बाद में आप किसी और के पेट में उसको जिंदगी गुजारने के लिए बोल रहे हो। तो ये जो ट्रांसप्लांटिंग है, ये कहीं तो उसको अफेक्ट करेगा ना। तो इसलिए ये जो जब केयर आप जो रियल मदर से, बायोलॉजिकल मदर से, सरोगेट मदर की वूम में जाते समय जो आपको केयर करनी है, आपके पौधे के लिए भी वही केयर करनी है आपको, ठीक है।